दोस्तों स्नैपड्रैगन 855 लंबे गेमिंग सेशन और यूजुअल टास्क के लिए एक पावरफुल प्रोसेसर है जो OnePlus 7 और Redmi K20 Pro दोनों में ही मौजूद है। पर सवाल यह है कि दोनों में से फ्लैगशिप किलर कौन है? आज हम आपके इसी सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिट हिंदी के इस वीडियो में। OnePlus 7 और Redmi K20 Pro का कंपैरिजन शुरू करने से पहले एक बार दोनों फोन्स की उन स्पेसिफिकेशंस पर नजर डाल लेते हैं जो कि एक जैसी है। बिल्कुल दोनों के डिस्प्ले की समानता यह है कि दोनों के पैनल्स एमोलेड हैं, दोनों HDR सपोर्ट करते हैं। प्रोसेसर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 दोनों में है और अगर रैम की बात करें तो 8GB रैम दोनों में है, 256GB स्टोरेज के साथ आते हैं 8GB रैम वाला जो वेरिएंट है। दोनों ही फोन्स के OS में भी समानता है। OnePlus 7 के ऑक्सीजन OS और K20 Pro के MIUI 10 में डिफ्रेगमेंटेड स्टोरेज, इंटेलिजेंस रिसोर्स एनिमेशंस और फास्टर ट्रांजिशन की विशेषता है। अब बात करते हैं इनके फ़र्क की, तो दोनों की स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क भी है। Redmi K20 Pro में 6.39 inches edge-to-edge डिस्प्ले है, वहीं OnePlus 7 में 6.41 inches की वाटर ड्रॉप नॉच के साथ इसका डिस्प्ले आता है। OnePlus 7 में UFS 3.0 स्टोरेज है जबकि K20 Pro में UFS 2.1 स्टोरेज है। लेकिन K20 Pro कैमरा फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में OnePlus से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। K20 Pro ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, वहीं OnePlus जो है वो ड्यूल कैमरा ऑफर करता है। K20 Pro में 4000 mAh की बैटरी है तो वहीं OnePlus 7 में 3700 mAh की बैटरी आपको मिलती है। अब जैसा कि आपने देख लिया इन दोनों की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो करीब करीब एक जैसी हैं, तो हम कुछ टेस्ट करेंगे। उन टेस्ट में पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन किसका अच्छा है। अब जब हमें दोनों फ़ोन्स के स्पेक्स और सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल चुका है तो टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला टेस्ट है बेंचमार्क एनालिसिस। हमने बहुत सारे बेंचमार्क को फोन्स में चलाया ताकि हमें ये पता चले कि किस तरह की परिस्थिति में फ़ोन कैसे परफॉर्म करते हैं। रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। N22 में Redmi K20 Pro ने OnePlus 7 को पीछे छोड़ दिया है और Geekbench में भी K20 Pro थोड़ा सा आगे है, वहीं मोबाइल एक्सपर्ट OnePlus 7 को थोड़ा सा आगे दिखाता है। GPU बेंचमार्क्स की बात करें तो दोबारा OnePlus 7 थोड़ा आगे दिखता है। ज़्यादातर टेस्ट में OnePlus 7 थोड़ा आगे था K20 Pro से। हाँ, कई बार K20 Pro भी OnePlus 7 से आगे रहा, हालांकि ये सिर्फ नंबर्स हैं और हो सकता है कि रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस इससे थोड़ी सी अलग हो। रियल वर्ल्ड टेस्ट करने के लिए हमने दोनों फ़ोन्स में गेम्स खेले। टेस्ट के लिए हमने हैवी गेम्स का इस्तेमाल किया और हर गेम के 15 मिनट बाद चेक किया। अब समस्या ये रही कि गेम बेंच K20 Pro पर नहीं चल सका, तो हमने इसके ही इनबिल्ट FPS रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया FPS रिकॉर्ड करने के लिए। दोनों फ़ोन्स पर हमने PUBG मोबाइल को नए अल्ट्रा फ्रेम रेट ऑप्शन पर चलाया और दोनों ने ही 60 FPS मार्क को हिट किया। वहीं Shadowgun Legends में K20 Pro ने 60 FPS आराम से हिट किया, मगर यहाँ OnePlus 7 हमें स्ट्रगल करता नज़र आया और इसने 53 से 54 FPS तक ये पहुँच पाया। फिर हमने Infinity Ops गेम दोनों फ़ोन्स में चलाया, दोनों फ़ोन्स ने आराम से 60 FPS हिट किया, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों फ़ोन्स काफ़ी गर्म हो गए और बिना कवर लगाए खेलना मुश्किल हो गया। अब आप इसके थर्मल रिकॉर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर गेम प्ले में K20 Pro 40 डिग्री से ऊपर गया। अभी तक दोनों फ़ोन्स में से एक को भी चुनना मुश्किल है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अच्छी टक्कर दी है। अब परफॉर्मेंस का आखिरी टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में हमने 5 ऐप्स को चुना है और उनको एक के बाद एक चलाया। इसमें OnePlus 7 कुछ मिलीसेकंड से आगे रहा, तो सभी टेस्ट के आधार पर ऐसा कुछ खास नहीं है जो दोनों फ़ोन्स को अलग कर सके कीमत को छोड़कर। OnePlus 7 का 8GB रैम वाला जो वेरिएंट है वो 52,999 रुपये का है और K20 Pro का 30,999 रुपये का, और दोनों ही इक्वली फास्ट हैं। OnePlus 7 थोड़ा कम हीट होता है, दोनों आसानी से 60 FPS टच कर सकते हैं गेमिंग के दौरान। दोनों में से एक विनर चुनना सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से गलत होगा। अभी के लिए इसके परफॉर्मेंस रिजल्ट को हम टाई रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। डिजिट हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।